पहला आरोप आप पर यही है, आप ही के जिले के आप ही के विधायकों ने दिल्ली पहुंचकर आलाकमान से आपकी कार्यशैली की शिकायत की। केन एनर्जी या किसी भी संदर्भ में जो भी आरोप लग रहे हैं, स्टेट एजेंसीज जांच कर चुकी है, सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है, किसी को भी कोई संशय हुई तो जांच अभी भी जारी है। अपनी बात उन एजेंसी के सामने रख ले और कोई भी आरोप है वो जांच हो रही है। ये वो ही विधायक है अरिजीत जिन्होंने कमलेश प्रजापत एनकाउंटर में भी आपके ऊपर संगीन आरोप लगाए। जांच करने या करवाने का अधिकार की मांग का अधिकार हर किसी को, और जो आरोप लगा रहे हैं वो कुछ एविडेंसेस तो दे। विधायक मदन प्रजापत का क्या विरोध है, क्यों आपसे वो इतना खफा रहते हैं? अगर किसी को भी मेरे किसी भी कृत्य से मेरी सोच से असहमति है तो मेरे सामने आकर बैठे। हेमाराम चौधरी से अदावत का क्या, क्योंकि आप मंत्री बने, हेमाराम चौधरी को मंत्री नहीं बनाया गया और तभी से वो बहुत ज्यादा खफा है, नाराजगी उनकी व्यक्त की, उन्होंने कई बार इस्तीफा तक दे दिया। हेमाराम जी चौधरी व्यक्तिगत तौर पर मेरे से खफा नहीं, कहीं भी ऐसा कभी उन्होंने कहा है तो मुझे पता। अशोक गहलोत के साथ खड़े रहे, सरकार बचाने में अग्रणी भूमिका आपने निभाई, खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रहे, राहुल गांधी के करीबी नेताओं में रहे, आपने विवाद निपटाने में क्यों भूमिका नहीं निभाई? सचिन पायलट जी ने जो भी ये चीज किया वो गलत की, उनको बिल्कुल उनका अधिकार है, पर अधिकार परिवार के अंदर, परिवार के बाहर जाकर और हक अधिकार मानना, सही और गलत का फैसला करवाना उस परिवार के हित में नहीं है।